हेलो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास वन की मैथ्स बुक का चैप्टर नंबर टू व्हाट इज लॉन्ग व्हाट इज राउंड तो चलिए स्टार्ट है, करते हैं लुक अराउंड व्हाट इज लॉन्ग व्हाट इज राउंड आप अपने आसपास देखिए बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं कुछ ऑब्जेक्ट्स लॉन्ग होते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं राउंड लॉन्ग मीन्स लंबा इस तरीके से लाइक योर बैट Like your cricket bat, तो so, that is long in shape. Round means goal like a ball. There's a ball, तो so, ball is round in shape. These are the examples of long and round. Vidya Didi asked all the children to sit in a circle. इसमें जो विद्या दीदी हैं, वो बच्चों से कह रही हैं, देखो अपने आसपास क्या long है और क्या राउंड है वट इज लॉन्ग वट इज राउंड लुक अराउंड लुक अराउंड देखो अपने आसपास क्या लॉन्ग है और क्या राउंड है तो एक गर्ल आंसर करती है दिस इज द गर्ल माई पेंसिल बॉक्स इज लॉन्ग एंड माई बॉल इज राउंड लुक अराउंड लुक अराउंड मेरा पेंसिल बॉक्स लॉन्ग है और मेरी बॉल राउंड है लुक अराउंड लुक अराउंड ये देखिए अब एक और बच्चा कहता है माई लॉन्ग एंड फेस इज राउंड लुक अराउंड लुक अराउंड मेरे लेग्स लंबे हैं और मेरा फेस राउंड है तो लुक अराउंड लुक अराउंड तो आप ऐसे भी आप भी अपने फ्रेंड्स के साथ खेलिए और हर बार अपनी टर्न पर किसी भी राउंड एंड लॉन्ग ऑब्जेक्ट का नाम बताइए जैसे कि आप बोल सकते हैं माय बैट इज लॉन्ग बट माई बॉल इज राउंड लुक लुक अराउंड अराउंड नाउ कम टू द नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पेज पे आ जाते हैं थिंक एंड डू अब इसमें आपको क्या करना है इस एक्सरसाइज में आपको सर्कल के अंदर राउंड ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ करने हैं और रेक्टेंगल के अंदर आपको लॉन्ग ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ करने हैं ये सर्कल है और यहाँ पे जो रेक्टेंगल है इसमें आपको लॉन्ग ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ करने हैं जो कि लंबे होते हैं शेप में तो सबसे पहले सर्कल में ड्रॉ कर लेते हैं सर्कल में आप क्या क्या ड्रॉ कर सकते हैं देखिए इस तरह से ड्रॉ करना है तो आप इसमें ड्रॉ कर सकते हैं जैसे कि राउंड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं लाइक like, आप ड्रॉ कर दीजिए एक ऑरेंज एंड यू कैन ड्रॉ अ क्लॉक अ कॉइन ये सब राउंड होते हैं शेप में तो जो जो चीजें राउंड आप अपने आसपास देखते हैं वो आप यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिएगा नाउ कम टू दिस एरिया इसमें आप क्या क्या ड्रॉ तो कर सकते हैं पहले से जो ड्रॉ है वो है बॉटल बॉटल का शेप देखिए लॉन्ग है बॉक्स भी लॉन्ग है तो आप बॉटल की तरह ड्रॉ कर दीजिए एक ग्लास ये भी लॉन्ग होता है शेप पे आप पेंसिल भी ड्रा कर सकते हैं और आपका बैट जिससे आप क्रिकेट खेलते हैं क्रिकेट की बैट ये भी ड्रा कर सकते हैं ंग इन शेप तो इसमें आपने सारे लॉन्ग ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर दीजिए नाउ नेक्स्ट पेज पेज नंबर ट्वेल्व मैच द ऑब्जेक्ट विच आर सिमिलर इन शेप तो इस साइड यहाँ पे इस कॉलम में जो जो चीजें दी गई है ये जो ऑब्जेक्ट है इसको आपको मैच करना है जो इस कॉलम में जो जो भी ऑब्जेक्ट है इनका शेप पर सिमिलर होना चाहिए जैसे की ड्रम का शेप सिमिलर होना चाहिए जो भी इस साइड आप मैच करेंगे तो हम देख लेते हैं ये एक्सरसाइज बेसिकली थ्री डी शेप्स जैसे सिलेंडर फेयर क्यूब एक्सेट्रा इन सब पर बेस्ड है अभी मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूंगी अदरवाइज आपका जो चैप्टर का वीडियो है काफी बड़ा हो जाएगा अगर आप थ्री डी शेप्स के बारे में कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई एल शेयर द लिंक आप उस लिंक पर क्लिक करके एक कंप्लीट वीडियो ऑन शेप्स देख सकते हैं सो लेट्स कम टू द क्वेश्चन पार्ट अगेन हेअ वी हैव टू मैच द ऑब्जेक्ट्स विच आर सिमिलर इन शेप सो फर्स्ट इज अ ड्रम हेअर वी कैन सी इज अ ड्रम ड्रम से सिमिलर शेप हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है देखिए नो बॉल नहीं है कोन भी नहीं है ड्रम का जो शेप होता है वो बेसिकली ऐसा होता है इसे हम कहते हैं सिलेंडर राइट right? तो सिलेंडर शेप का आपको कौन दिखाई दे रहा है दिस कैंडल तो आप ड्रम को मैच कर देंगे इस कैंडल से नेक्स्ट इज बॉल विच इज राउंड इन शेप तो बॉल की तरह किसका शेप है इस कॉलम में देखिए ये है इस वाली बॉल का शेप है ना तो इसे हम मैच कर देंगे बॉल को मैच कर देते हैं इस वाली बॉल से ये हमने मैच कर दिया नेक्स्ट इज अ बॉक्स बॉक्स का शेप कैसा है एक क्यूब की तरह इस बॉक्स को हम क्यूब भी बोलते हैं तो इससे सिमिलर शेप है ये वाला इससे मैच कर दीजिए नेक्स्ट इज अ इडली या चपाती आप कुछ भी बोल सकते हैं दैट इज राउंड इन शेप तो इस वाले कॉलम में कौन है इससे सिमिलर दिस कुकी और इडली तो आप इससे मैच कर दीजिए राइट एंड द लास्ट वन इज कैप कैप का शेप कैसा होता है कैप का शेप एक कोन की तरह होता है कोन कैसा होता है आई शो यू कोन इज लाइक दिस तो कोन का शेप ऐसा होता है कोन से सिमिलर क्या है ये वाला कौन तो हमने कैप को बर्थडे कैप को मैच कर दिया इस पेपर वाले कौन से राइट right? अब आ जाते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे नेक्स्ट इज टेक द शेप विच इज सिमिलर टू बॉल बॉल से सिमिलर आपको जो शेप दिखाई दे रहा है आपको उससे मैच करना है तो बॉल से सिमिलर हमें क्या दिखाई दे रहा है दिस वॉटर मेलन दिस वाटर मेलन इज सिमिलर टू बॉल तो हमने वाटर मेलन पे टिक कर दिया नेक्स्ट टेक द शेप इज सिमिलर टू अ कैप कैप से सिमिलर कौन सा है कैप से सिमिलर अगेन ये कोन है क्योंकि कैप एक कोन शेप की होती है ये सिर्फ इस तरह से बनी है और ये इस तरह से बना है बट इनका शेप सिमिलर है नेक्स्ट टेक द शेप इज सिमिलर टू ग्लास ग्लास कैसा शेप होता है ग्लास इज सिलेंड्रिकल इन शेप तो ग्लास का शेप किससे सिमिलर है इस वाटर बॉटल से नेक्स्ट एफ पार्ट टिक द शेप विच इज सिमिलर टू मैच बॉक्स मैच बॉक्स से आपको मैच करना है इसमें कौन सा शेप है विच इज सिमिलर तो मैच बॉक्स का शेप होता है एक क्यूबॉइड की तरह तो आपको एक लॉन्ग वाला जो क्यूबॉइड है वो कौन दिखाई दे रहा है क्यूबॉइड एंड क्यूब में डिफरेंस होता है ज लाइक दिस एंड क्यूबॉइडज लाइक दिस तो इससे सिमिलर है ये बॉक्स तो आप बॉक्स पे क्लिक कर देंगे बॉक्स पे टिक कर दिया नाउ कम टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज लेट अस डू दिस वन मेक अ हाउस टॉय टार रोबोट बस और एनी थिंग यू लाइक यूजिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट इन यूर सराउंडिंग्स यू कैन ऑल्सो यूज नोटबुक्स बुक्स पेंसिल बॉक्स वाटर बॉटल वेस्ट और ओल्ड बॉक्सेस, बर्थडे कैप्स फनल्स एक्सेट्रा तो बेसिकली इसमें क्या कह रहे हैं ये एक एक्टिविटी है जिसमें आपको अपने आसपास से डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लेने हैं लाइक बुक्स नोटबुक्स, पेंसिल बॉक्स वाटर बॉटल वेस्ट और ओल्ड बॉक्सिस बर्थडे कैप्स और फनल्स ये सब चीजें आपको लेनी है और इन सब की हेल्प से आप बना सकते हैं हाउस कोई भी हाउस आप बनाइए टॉय टावर बना सकते हैं रोबोट बस एनीथिंग यू लाइक जो भी आपको पसंद हो आप अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं एल्डर्स की हेल्प ले सकते हैं और अपने टीचर्स की भी हेल्प ले सकते हैं तो आपको ये चीजें इस एक्टिविटी में आप बना सकते हैं सो कम टू नेक्स्ट पेज पेज नंबर फोर्टीन वायस ग्रैंड मदर

ग्रैंड मदर एक बार एक लैम्ब अपनी ग्रैंड मदर से मिलने जा रही थी दुल्फ सॉ दैम्प एंड वॉन्टेड टू कैच हर तो रास्ते में उसे किसने देखा वुल्फ ने देख लिया और वो वुल्फ उसे पकड़ना चाहता था तो जैसे ही लैम्प ने वुल्फ को देखा तो वो बोली जैसे ही लैम्प ने वुल्फ को देखा सो so बोली प्लीज डोंट ईट मी नाव लेट मी फर्स्ट गो टू माई ग्रैंड मदरस प्लेस एंड ग्रो बिक तो क्या बोली वो प्लीज़ डोंट ईट मी नाओ प्लीज़ मुझे अभी मत खाओ पहले मुझे अपनी ग्रैंड माँ के पास जाने दो जब मैं वहाँ से खूब बड़ी होकर आ जाऊँगी तब मुझे पकड़ लेना तो वुल्फ कहता है ओके यू मे गो ओके यू मे गो मीन्स तुम जा सकती हो द लैम्प टोल्ड एवरीथिंग अबाउट द वल्फ टू हर ग्रैंड मदर लैम ने सारी बात अपनी ग्रैंड मदर को बताई द ग्रैंड मदर गॉट एन आइडिया टू पुट द लैम्प इनटू अ ढोलक एंड रोल्ड इट बैक टू हर हाउस अब ग्रैंड मदर को आइडिया आया कि लैम्प को वापस उसके घर कैसे भेजा जाए क्योंकि ऐसे ही अगर लैम्प घर जाएगी तो तो वुल्फ उसे पकड़ लेगा तो ग्रैंड मदर ने लैम्प को एक ढोलक में डाल दिया और ढोलक को रोल कर दिया तो स्टूडेंट्स आपको पता है ना जो गोल ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो रोल करते हैं तो ढोलक ने क्यों रोल किया क्योंकि वो राउंड इन शेप थी उसके शेप की वजह से द ढोलक रोल्ड वेरी फास्ट एंड द वुल्फ स्टार्टेड रनिंग बिहाइंड इट तो ढोलक भी रोल होने लगी तेजी से और लैम के घर पहुंच गई वुल्फ उसके पीछे दौड़ता रह गया और लैम्प ढोलक के अंदर बैठ के सेफली अपने घर पहुंच गई और वुल्फ उसे पकड़ भी नहीं पाया देखिए द कैच द लैम्प एंड शी रीच द होम सेफली ये लैम्ब जो है अपने घर बिल्कुल सेफली पहुंच जाती है ये देखिए लैम्ब अपने घर पे पहुंच गई है एंड वॉट शी इज से दादी और वुल्फ जो है बाहर ही रह गया उसको पकड़ भी नहीं पाया तो आपको पता है ढोलक ने क्यों रोल किया बिकॉज ऑफ इट्स शेप तो यहाँ पर हो जाता है हमारा ये फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर कंप्लीट नेक्स्ट पार्ट के लिए आप डी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर क्लिक करके सेकेंड पार्ट देख सकते हैं आगे के पेजेस मैंने सेकेंड पार्ट में एक्सप्लेन किए हुए हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय